हेलो फ्रेंड, आज की वीडियो हम बताने वाले हैं मेटाडाटा 4 में लाइव बिटडॉक कैसे करेंगे और जो ब्रोकर है वो एक्सएम ब्रोकर का स्टेप बाय स्टेप बताएंगे। ब्रोकर जो हम यूज़ कर रहे हैं एक्सएम ब्रोकर, और जैसा कि मेरा देख सकते हो लास्ट वीक हमने प्रॉफिट कर लिया है लगभग लास्ट वीक का 660 डॉलर, यानी लगभग आप ऑलमोस्ट इंडियन रुपीज मानोगे तो 48,000 रुपये के आसपास है। और टोटल मेरा पोर्टफोलियो 970 डॉलर का, यानी 300 कुछ रुपये डिपॉजिट किया था बट 970 डॉलर बना दिया हूँ। बट अब प्रॉफिट जो है मैं बिटडॉक करने वाला हूँ जितना भी मैंने प्रॉफिट बनाया है। तो लेकिन उससे पहले बताने से पहले ये सब चीज़ें मैं आपको बता दूं, मेरे टेलीग्राम चैनल को अगर ज्वाइन नहीं किया तो भाई सबसे पहले इसको मस्ट ज्वाइन कर लो, क्योंकि फ्री के नो डिपॉजिट ऑफर होते हैं। काफ़ी लोगों को कोई 8,000 प्रॉफिट, कोई कितना, ऐसे लोग प्रॉफिट उठा रहे हैं। तो इस ग्रुप को जरूर चैनल को ज्वाइन कर लो, क्योंकि सबसे पहले कोई भी अपडेट होती यहीं देता हूँ। फ्री के फॉरेक्स सिग्नल भी दे देता हूँ जब मुझे अच्छा लगता है, बेटर लगता है, तो यहाँ सारी चीज़ें अपडेट मिलती हैं, इसलिए इसको मस्ट ज्वाइन कर लो। अब दूसरी बात, अगर फॉरेक्स ट्रेडिंग आपको जैसे एसएबी नहीं पता कैसे ट्रेडिंग करना है, तो मेरा जैसे कि एसएम गोल्डन चैनल अगर खोलोगे जिसमें मैंने प्लेलिस्ट बना दी है, जो ब्रोकर मैंने यूज किया है बट एक्सएम ब्रोकर का, ये वाला आप अगर देखोगे तो एकदम सीरियल वाइज आप सारी चीज़ें सीख लोगे। पार्ट वाइज मैंने बता दिया, तो एक्सएम ब्रोकर वाले प्लेलिस्ट में आप चले जाना, इसलिए यहाँ पे पार्ट वाइज आप देखोगे ना तो पार्ट वाइज कैसे ट्रेडिंग करनी है, कैसे डिपॉजिट करना है, फिर कैसे M2 ट्रेडर 4 में ट्रेड पूरा करना है, उसके बाद विड्रॉ कैसे करना है, विड्रॉ करने वाला ये वाला पार्ट जो कि आप देख रहे हो ये वाला है, तो सारी चीज़ें इसमें देख सकते हो। अब चलिए हम स्टेप बाई स्टेप चलते हैं। पहले तो आपको दिखा देता हूँ मैं अपना फ़ंड। देखो मेरे फंड आप देख सकते हो फ्रेंड, यहाँ पे लगभग 970 डॉलर हैं, और यहाँ पे लास्ट वीक मेरा जो प्रॉफिट है लगभग 607 डॉलर का है। और अकाउंट भी दिखा दूँ भाई, ये रियल है। तो यहाँ पे अब फ्रेंड देख सकते हो, यहाँ पे अकाउंट आईडी मेरा देख लो, रियल अकाउंट है, ये बैलेंस वगैरह सब देख लो। और फ्रेंड ये चीज़ें आपने देख ली। अब क्या है, अब यहाँ से डायरेक्टली विड्रॉ नहीं होता M4 से, अब वो ब्रोकर में जाना है। जो ब्रोकर में, जैसे मैंने एक्सएम ब्रोकर में आईडी बनाई, तो एक्सएम ब्रोकर जिन लोगों ने आईडी नहीं बनाई और आईडी बनाना चाहते हो, मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, तो इजीली आप बना सकते हो, बट बिना सीखे कभी भी रियल पैसे ना लगाएं। तो चलिए अब सिंपल सा आ जाते हैं इसकी वेबसाइट। अब इसकी वेबसाइट पर आ गए, यहाँ पर क्या है, जो मेरी लॉगिन आईडी थी वो डालना है और जो मेरा पासवर्ड था वो डालना है। तो यहाँ पर वो चीज़ें डाल के मैं लॉगिन पर क्लिक कर दूँगा। तो फ्रेंड देख सकते हो आप, यहाँ पे अकाउंट आईडी मैच करा लेना, क्योंकि मैंने जो M4 में दिखाई वही आईडी यहाँ पे, उसी आईडी के थ्रू आप विड्रॉ करने वाला हूँ। यहाँ पे देख सकते हो मेरे में इतना डॉलर है, तो ये नहीं कि कोई फेक ऐसे दिखा, फेक बनाने का कोई मतलब नहीं ना। तो यहाँ पे क्या, नीचे जाना। अब फ्रेंड नीचे आओगे तो यहाँ पे क्या, आपको इजीली विड्रॉ के जो हैं ऑप्शन दिख जाएंगे, डिपॉजिट, विड्रॉ। तो विड्रॉ का मैं दिखाने लूँ, बाकी कुछ लोगों को समझ में नहीं आएगा तो क्या, पार्ट वाइज वीडियो देख लेना, प्लेलिस्ट मैंने बता दी वो देख लेना, तो समझ में आ जाएगा। और नीचे मैंने ये अकाउंट सेलेक्ट भी किया है, और नीचे मल्टीपल अकाउंट, जैसे मेरे और भी अकाउंट है इसी के अंदर मल्टीपल अकाउंट बना सकते हो, बट वो टॉपिक पर बात नहीं करते। सिंपल सा हम ये अकाउंट सेलेक्ट है मेरा, अब यहाँ पर क्या विड्रॉ करेंगे, सिंपल सा यहाँ पर विड्रॉ वाले ऑप्शन पर हम क्लिक कर देंगे। अब फ्रेंड विड्रॉ पे जैसे क्लिक करोगे तो यहाँ पे अब थोड़ा नीचे आओगे तो देख सकते हो मेरा अकाउंट आईडी ये है, थोड़ा मैं नीचे आया तो कई ऑप्शन यहाँ पे आ गए, स्क्रीन नेट है। तो ये ध्यान देना, आपने अगर नेटलर से डिपॉजिट लास्ट डिपॉजिट किया है तो नेटलर से ही विड्रॉ होगा, अगर स्क्रीन से लास्ट डिपॉजिट किए हो तो स्क्रीन से होगा, यानी लास्ट डिपॉजिट आपने जिस ऑप्शन से किया उसी से विड्रॉ होगा। तो हमने लास्ट डिपॉजिट गूगल पे से किया था, तो चलिए उससे ट्राई करते हैं। नीचे थोड़ा हम जाएँगे, और अब फ्रेंड थोड़ा नीचे आएंगे तो यहाँ पे देखो वीज़ा कार्ड है। तो गूगल पे, आपका फ़ोन पे, UPI आईडी जो होता है वो ऑनलाइन बैंकिंग में आता है, और मैं क्रिप्टो करेंसी से भी किया था तो मुझे थोड़ा कन्फ्यूजन है मैं लास्ट डिपॉजिट किससे किया हूँ। तो लेकिन मैं विड्रॉ लगा के देखता हूँ, पहले तो मैं ऑनलाइन बैंक से करूँगा, अगर ये रिजेक्ट होता है तो मेरा सेकेंड ये होगा, क्योंकि मैं जहाँ तक है USDT से किया हूँ, तो क्योंकि विड्रॉ प्रूफ डाला भी होगा। तो चलिए हम लेकिन ऑनलाइन बैंक से करते हैं, लास्ट डिपॉजिट जिससे भी किया हो, यानी अगर गूगल पे, फ़ोन पे, UPI वैलेट का यूज़ किया हो, यानी जो भी जो वैलेट होते हैं, जैसे कि यहाँ पे छोटे छोटे वैलेट टाइप के आपको दिखा दें, वैलेट दिख नहीं रहा प्रेजेंट टाइम, तो उसका अगर यूज किया तो ऑनलाइन बैंक से विड्रॉ होगा। तो सिंपल सा मैं क्या करूँगा, ऑनलाइन बैंक पे मैं क्लिक कर रहा हूँ। अब फ्रेंड ऑनलाइन बैंक पे क्लिक किए तो फिर थोड़ा नीचे आओगे, यहाँ पे अकाउंट आईडी मैच करा सकते हो मेरी, बार बार मैं इसीलिए दिखा रहा हूँ। तो यहाँ पे क्या है, अपना नेम, रियल नेम जो भी आपके एक्सएम में है वही आपके बैंक में होना चाहिए, वो नेम डालना है। फिर यहाँ पे अपनी बैंक, जो भी बैंक का जो नेम है, स्टेट बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा जो भी है, फिर यहाँ पे एड्रेस उसका डाल सकते हो। फिर यहाँ पे ब्रांच नेम जैसे कि आपका एरिया, आपका गाँव जो भी लगता है, वो ब्रांच नेम जो भी होता है बैंक में हो तो लिखा होता है आपके पास में, वो डाल देना। फिर बैंक अकाउंट नंबर डालना है, फिर IFSC कोड डालना है, फिर यहाँ पे कितना डाला विड्रॉ करना चाहते हो वो डालना है। ये सब डालने के बाद फ्रेंड यहाँ पे जो है, यहाँ पे आपको निशान लगा देना, टिक लगा देना, उसका रिक्वेस्ट जो है इस पर आपको क्लिक कर देना है। और फ्रेंड एक चीज़ और बता दें, मैक्सिमम डेली लिमिट जो कि एक्सएम ब्रोकर का है भाई, $2500 ही विड्रॉ कर सकते हो, $2500 डेली का लिमिट है, डेली का भाई।
फ्रेंड जैसे ही बिड्डा रिक्वेस्ट में क्लिक किया तो क्या है यहाँ पे मेरा बिड्डा सक्सेसफुल हो गया। यहाँ पे जो मैंने बिड्डा रिक्वेस्ट लगाया यहाँ आपको MT4 में भी दिखा दे रहा हूँ, यहाँ पे आप देख सकते हो इजीली यहाँ भी पैसे कट जाते हैं। ये देखो ये $607 कट गया पैसा इतने, ये देख सो बिड्डा ये इतना कट गया पैसा, तो यानी इतना बिड्डा लग गया मेरा। अब इंतज़ार कर रहा हूँ कितनी देर में आ जाता है, अभी 3:43 शाम के टाइम फ्राइडे को हुआ है, बाकी कितना घंटे लगता है। आज के दिन वैसे भी टाइम ही लगता है, जल्दी आ जाए तो अच्छी बात है, बट आज नहीं आया तो जाके मंडे को ही रिसीव होगा जहाँ तक है, ऐसा ही होता है अधिकतर। तो कि मैंने बताया नहीं था मैं विड्रॉ डिपॉजिट किससे किया था, लास्ट USDT से किया था, तो मैं ऑनलाइन बैंक से किया, इस वजह से क्या मेरा विड्रॉ जो है वो रिफंड कर दिया गया। आप देख सकते हो ये वापस यानी मेरे में ही डिपॉजिट कर दिया गया, ये वापस क्रेडिट कर दिया गया। तो बट क्या है अब क्या है हम विड्रॉ करेंगे भाई जिससे हमने किया था। देखो सिस्टम ये होता है ना किसी भी ब्रोकर में, जिससे आप लास्ट डिपॉजिट करते हो उससे विड्रॉ होगा, बट लेकिन उससे पहले आपने जिससे किया था उसका जितना अमाउंट डिपॉजिट किया उस पहले उसमें से उतना विड्रॉ कर लो, उसके बाद नेक्स्ट जो आपने लास्ट डिपॉजिट किया फिर उससे विड्रॉ होगा, इस तरह सिस्टम होता है। तो बट मैंने USDT से किया था, तो इसलिए मैं क्या USDT से ही विड्रॉ करूँगा, इसलिए मैं सारा वीडियो में दिखा रहा हूँ जिससे क्या आपको भी ये चीज़ें समझ में आए जो चीज़ें मैं फेस कर रहा हूँ, या ऐसा मतलब फेस कर जो कि मैं एज ए ट्राई कर रहा था, बट मुझे USDT से ही करना था, तो मैं क्या अभी USDT से ही करूँगा क्योंकि डिपॉजिट मेरा उसी से था बड़ा फंड। तो फ्रेंड यहाँ एक्सम ब्रोकर में आ गया सिंपल सा, मैं USDT यानी क्रिप्टो करेंसी से मैंने डिपॉजिट लास्ट किया था, तो यहाँ पे इस पे मैं सिंपल सा इस पे वाले पे विड्रॉ पे क्लिक करूँगा USDT क्रिप्टो करेंसी वाले पे। फ्रेंड नेक्स्ट यहाँ पे इस तरीके से आ जाएगा, तो यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे विड्रॉ अमाउंट जितना डालना वो डाल देना, फिर USDT से जैसे मैंने लास्ट डिपॉजिट किया था तो विड्रॉ उसी पे होगा वो डाल दिया, फिर उसका एड्रेस मैं डाल दूंगा यहाँ पे, फिर उसका TRC20 नेटवर्क बहुत इंपॉर्टेंट होता है, नेटवर्क सेम होना चाहिए फ्रेंड, ये ध्यान देना है आपको। अब क्या है फ्रेंड एड्रेस के लिए देख लो यहाँ पे भी मैं दिखा दूँ Binance का, मैं TRC20 का ये नेटवर्क है और ये एड्रेस ये है, तो ये नहीं कि वहाँ पे अपने इसमें मत मिस्टेक करना, जो एड्रेस आपने पहले डिपॉजिट करते समय डाला था वही डालना है, नहीं तो फिर रिजेक्ट होगा। बट ऐसा नहीं कि पैसे कहीं जाएंगे वो रिजेक्ट होगा, बट दोबारा आपको वो चीज़ें करना होगा, आपका टाइम बर्बाद होगा, बाकी विड्रॉ तो होगा ही, विड्रॉ में कोई इशू नहीं होता। तो यहाँ पे सिंपल सा मैं कॉपी कर ले रहा हूँ, फैन मैंने सारी चीज़ें फिल कर दी, अब सिंपल सा यहाँ कंफर्म बटन है इस पे मैं क्लिक कर दूँगा। क्लिक करने के बाद फ्रेंड एक बार सारी चीज़ें दिखा रहा है पूरा, एक बार आप कंफर्म कर लो अपना एड्रेस वगैरह मैच करा लो, अगर गलत है तो सही से $12 बैक कर सकते हो, अदरवाइज सही है तो सिंपल सा रिक्वेस्ट टोकन पे हमें क्लिक कर देना है। फ्रेंड जैसे ही सबमिट किया तो क्रिप्टो जब करते हो तो ईमेल पे भी एक नोटिफिकेशन देता है, वहाँ भी कन्फर्म करना, तो इस तरह मैसेज आएगा। अब अपनी ईमेल रजिस्टर ईमेल आईडी ओपन करेंगे हम। अब फ्रेंड जैसे ये ईमेल आईडी आ गया तो यहाँ क्लिक हेयर है, इस पे हमें क्लिक करना होगा, अगर क्रिप्टो करोगे ये प्रोसेस फॉलो करना होगा। अब फ्रेंड जब उस पर क्लिक करोगे लिंक तब ये क्या है आपका विड्रॉ लग गया। अब देखो विड्रॉ लग गया, अब MT4 में भी आपको दिखा दे रहे हैं पैसा क्या है कट गया होगा वहाँ से। अब फ्रेंड देख सो पैसा माइनस हो गया उतना 600, ये फिर दोबारा से विड्रॉ लग गया। अब देखते हैं कितनी देर में विड्रॉ आ जाता है। अब आप टाइमिंग आप फ्रेंड फिर से देख लो, अभी का टाइम 4:50 हो रहे हैं और आज की डेट जो है ये लगभग 29 जुलाई 2022 है, शाम का टाइम है, फ्राइडे का दिन है। मैंने जो विड्रॉ लगाया फिर मेरा विड्रॉ रिजेक्ट हुआ, उसका रीज़न बताया, उसका रीज़न ये था यहाँ पे मेरे ईमेल में मैसेज भी आया था, तो ये बताया भी था भाई $37 आपका बचा है, आपने क्या है जो क्रिप्टो से डिपॉजिट किया था तो उतना क्या है विड्रॉ होगा। तो जैसे क्रिप्टो से अगर आप डिपॉजिट करो, क्रिप्टो हो गया या आपका जो ATM कार्ड होता है डेबिट कार्ड उससे किया, तो जितना अमाउंट उससे डिपॉजिट जब तक उससे विड्रॉ नहीं कर लेते, समझ रहे हो फ्रेंड, जब तक जो आधार मीटर से आपने लास्ट डिपॉजिट किया है, तो ये मतलब प्रॉब्लम तब होती है जैसे कि मैं मल्टीपल चीज़ों से डिपॉजिट कर लिया था, तो इसलिए पहले उसी से विड्रॉ करो। तो मैंने जो अब विड्रॉ लगाया, अब क्या ये $37 मेरा क्रिप्टो बचा था, तो ये लोग क्या $37 मेरे क्रिप्टो में ये Binance पे देखो जस्ट विड्रॉ देखा जाए 5 मिनट में आ जाता, जस्ट मेरे को क्या है ये विड्रॉ आ गया। अब बाकी जो बचा, अब क्या है मैंने लास्ट में क्या है अब डिपॉजिट किया हूँ लोकल बैंक से, यानी कि अब ऑनलाइन बैंक नेट बैंक जो भी, अब जो भी विड्रॉ होगा वो मेरे में आ जाएगा, जितना भी करना चाहूँगा अब वही चलेगा, अब मैं चेंज भी नहीं करूँगा मेथड, क्योंकि यही तामझाम होता है तो मल्टीपल, ये सब मैं क्या है वीडियो आप लोगों को बनाने के दिखाने के चक्कर में सब किया था, USDT से कर दिया था फिर लास्ट इससे, तो इस वजह से ये चीज़ें करनी पड़ी। अगर ऐसा आपके साथ हुआ है तो आपके साथ भी होगा, जब तक जिससे लास्ट मतलब पहले डिपॉजिट किए थे तो पहले उस जितना डिपॉजिट वो अमाउंट पहले निकाल लो उसमें से, हाँ उसके बाद बाकी जो बचेगा तो अपने लास्ट में मेथड वाले से विड्रॉ कर सकते हो। तो अभी ये भी विड्रॉ हो गया, देख सकते हो ये अभी जस्ट आया, यानी विड्रॉ देखा जाए 5 ही मिनट में हमको रिसीव हो जा रहा है। अब लेकिन हम बैंक वाला चलने करेंगे प्रोसेस, अब हम देखो MT4 में भी दिखा दे रहे हैं आपको ये इतना विड्रॉ हो गया,
ये $37 ये विड्रॉ हो गया, बाकी क्या है, बाकी जितना बचा था सब वापस ये लोग रिफंड कर दिया आपके M4 अकाउंट में। तो चलिए अब विड्रॉ करते हैं बैंक। अब फ्रेंड अब चल रहे हैं फिर वही, क्या है, सिंपल सा नेट बैंकिंग से अब करेंगे बाकी जो विड्रॉ मेरा बचा है, सॉरी ऑनलाइन बैंक। तो ये ऑनलाइन बैंक आ गया, इस पर मैं क्लिक करूँगा। फ्रेंड ये आ गए, तो प्रोसेस आपको पहले ही बता दी हूँ क्या क्या भरना है, तो आगे ही मैंने बता दिया बैंक वाला। तो सब चीज़ें मैं भर के अब सबमिट कर दे रहा हूँ, देखता हूँ कितनी देर में आता है विड्रॉ। अब फ्रेंड जो विड्रॉ मिलेगा मुझे इस रेट से, ये डॉलर का रेट घटता बढ़ता रहता है तो इस रेट से मिलेगा। अब बाकी मैं रिपोस्ट पर भी क्लिक कर दे रहा हूँ। अब फ्रेंड देख सकते हो यहाँ पर मैंने विड्रॉ लगा दिया है, इसमें से माइनस भी होगा, $570 का विड्रॉ लगा, क्योंकि $37 क्रिप्टो में मुझे मिल गए और बाकी $570 फ्रेंड विड्रॉ। अब देखते हैं कितनी देर में मुझे आ जाता है, बाकी $37 क्रिप्टो में मिली गए हैं। अभी का टाइम 5 बज रहे हैं, 5 बजे से वैसे 5 ही मिनट में विड्रॉ वो तो आ गया क्रिप्टो वाला। अब देखते हैं बैंक वाला कितनी देर में हमको आ जाता है। फ्रेंड लगभग जो पेमेंट है मैंने बैंक में जो XM से विड्रॉ किया था, XM यानी MT4 ट्रेडर से जो भी मैंने विड्रॉ किया था वो मुझे रिसीव हुआ लगभग, क्योंकि फ्राइडे को किया था, तो आज मुझे जब रिसीव हुआ लगभग, आज का दिन है यानी मंगलवार ट्यूसडे 2 अगस्त है, 12:51 हो रहे हैं दोपहर के, तो आज मुझे जाके रिसीव हुआ। अब दिखा सकता हूँ, ये देखो मेरे पास आ गए लगभग 45,000 समथिंग जो मैंने विड्रॉ किए थे, 45,191.30 रुपये और जो पेमेंट माध्यम है PayU पेमेंट प्री ऐसे करके नेम लिखा हुआ है। तो ये मैं अपने WhatsApp बैंकिंग से दिखा रहा हूँ, तो ये पेमेंट आ गया। यानी अगर आप फ्राइडे को विड्रॉ लगाते हो तो टाइम लग जाता है 3-4, क्योंकि सैटरडे संडे बंद ही होता है तो 2 दिन से कोई मतलब नहीं, बाकी मंडे फ्राइडे चालू रहता है तो उस नेक्स्ट डे आए। यानी हमेशा अगर विड्रॉ लगाओ तो फ्राइडे को तो विड्रॉ कभी लगाओ ही मत, या तो मंडे को लगाओ या फिर या थर्सडे, मंडे टू थर्सडे के बीच ही में लगाओ। तो पेमेंट लगभग क्रिप्टो में लगाते हो, मैंने दिखाया ही इसी में क्रिप्टो का भी हो गया था, तो लगभग 5 ही मिनट में आ जाता है, इसका भी 5 ही मिनट में, लेकिन वर्किंग डेज ही में लगाओ तो आ जाता है। तो फ्रेंड ये चीज़ें हैं, बाकी वीडियो अच्छा लगता है तो प्यारा सा कमेंट जरूर कर देना और लाइक तो कर ही देना। चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन क्लिक कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।